12 मार्च 2023 पी एस टेट का जो एग्जाम होया सी पेपर वन ते पेपर टू, लेकिन पेपर टू दोबारा होएगा। पेपर वन दी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दिती गई है। चार सैट सन, पेपर ए सैट बी सैट सी सैट डी। सो चारा सैट्स दी आंसर की डिस्प्ले होएगी। तुसी पी एस टेट 2023.org ते जाके ए डिस्प्ले पेज हो जाएगा। इत्थे क्लिक हेयर जे तुसी आंसर की देखना चाहते हो, आंसर की सामने आ जाएगी। कोड सामने है, कोड जां सैट ए जिहड़ा भी तुहाडा सैट सी उस दा तुसी खुद मैचिंग कर सकते हो। जेकर तुसी नाल नाल मैचिंग करना चाहते हो तां ए आंसर की साढ़े कोल है, ए सैट ए है। सैट ए दे क्वेश्चन इत्थे नाल नाल डिस्प्ले होणगे। ते जे तुसी मैच करना चाहते हो तां इस तरह भी मैच कर सकते हो कि जो आंसर की है सैट ए दी वो किहड़े क्वेश्चन दा की आंसर सी। कोड ए दा क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर जो ऑफिशियली रिलीज़ किए गए ने ए है। सो पहला क्वेश्चन नंबर उसका आंसर ए है, डिवेलपमेंट। क्वेश्चन नंबर टू बी आंसर है, अकोमोडेशन। तीन नंबर क्वेश्चन दा है डी, लेव वाइगोत्स्की। चार नंबर क्वेश्चन दा है बी, स्टेज थ्री। पांच नंबर क्वेश्चन दा है ए, स्पेशल। क्वेश्चन नंबर छे दा है बी, जेंडर टाइपिंग। क्वेश्चन नंबर छे दा है बी, जेंडर टाइपिंग। क्वेश्चन नंबर सत्त दा भी बी है, डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर अठ दा है ए, जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर नाइन दा है डी, कंट्रोलिंग इमोशंस। क्वेश्चन टेन दा है ए, 2010। क्वेश्चन नंबर 11 दा है बी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12 दा है सी, द प्रमिसिव स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 13 दा है ए, सेट अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 दा है सी, रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 15 दा है ए, इनक्वायरी बेस्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16 दा है सी, जेनेटिक। क्वेश्चन नंबर 17 दा है बी, जिक्सा क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 18 दा है ए, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 दा है डी, एब्सट्रैक्ट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 20 दा है वी दा है ए, द स्टर्नबर्ग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 21 दा है सी, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 दा है डी, द एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 23 दा है डी, फ्रॉबेल। क्वेश्चन नंबर 24 दा है ए, रिसीविंग रिस्पोंडिंग वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड करैक्टराइजिंग, प्राप्त करना, जवाब देना, मूल देना, संगठ करना अते विशेषता। क्वेश्चन नंबर 25 दा है सी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 26 दा है बी, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 27 दा है सी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 28 दा है ए, स्टूडेंट विद स्पेशल नीड स्पेंड ऑल देयर टाइम विद नॉर्मल स्टूडेंट। विशेष लोड़ां वाले विद्यार्थी अपना सारा समा आम विद्यार्थियों नाल बिताउंदे हन। क्वेश्चन नंबर 29 दा है बी, डाउन सिंड्रम। क्वेश्चन नंबर 30 दा है ए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 31 दा है बी, समूह वाचक नाम है। क्वेश्चन नंबर 32 दा है सी, स्कूल। क्वेश्चन नंबर 33 दा है सी, छड़प्पे। 34 दा है सी, पूर्वी पासा। 35 दा है बी, पतंगी। 36 दा है ए, थड़े उपर। 37 दा है डी, सतर। क्वेश्चन नंबर 38 दा है सी, चंदू। क्वेश्चन नंबर 39 दा है ए, वाही हुई पैली। क्वेश्चन नंबर 40 दा है ए, नदी किनारे संघना जंगल। क्वेश्चन नंबर 41 दा है बी, बिजली। 42 दा है सी, रोशन। 43 दा है डी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 44 दा है बी, गुणवाचक विशेषण। 45 दा है डी, बुलाउणा।
छियाली का है ए रोशनी नाल, संताली का है सी उपरोक्त दोवें, अड़ताली का है डी कुदरती ढंग नाल सिखलाई, उणंजा का है डी उपरोक्त सारे, पचानवे का है सी उपरोक्त दोवें, इकवंजा का भी है सी ग्रहण, बवंजा का है ए सिहारी, तिरवंजा का है सी उपरोक्त दोवें, चुरंजा का है डी उपरोक्त सारे, पचवंजा का है सी उपरोक्त दोवें, छपंजा का है डी उपरोक्त सारे, सतवंजा का है सी उपरोक्त दोवें, अठवंजा का है ए संचित कार्ड, उनाहठ का है सी सचित्र पन्ने, सठवें का है ए हैडसैट, 61 का है इंग्लिश का पेपर शुरू हो चुका है, सी है बाय हैविंग एन इफेक्टिव ओपोजिशन, 62 का है सी टॉलरेटिंग एरर टू सर्व द ट्रुथ, 63 का है ए व्हेन मैन वॉइस एंड एग्जामिन देयर ओपिनियन, 64th का है बी अनएग्जामिन्ड, 65th का है ए एबस्ट्रैक्ट नाउन, 66th का है सी सिविलाइज्ड, 67th का है डी एक्सप्रेस्ड फीलिंग, 68th का है सी मैनली, 69th का है बी साइंस, 70 का है बी वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन मशीन्स, 71 का है ए बिकॉज दे डिमांड केयर एंड राइट अबाउट ऑफ फ्यूल, 72 का है बी फॉर बिकमिंग मोर सिविलाइज्ड, 73 का है डी ऑल ऑफ द अबव, 74th का है सी इल टेंपर्ड, 75th का है बी जेनियल, 76th का है डी एडवर्ब, 77th का है ए, 78th का है डी 24, 79th का है सी नेजल, 80 का भी है सी बोथ 1 एंड 2, 81 का है ए ग्रामर, 82 का है डी इट इज मोनोटोनस, 83 का है बी इंडक्टिव, 83 का है बी, 84 का फिर है बी सॉल्यूशन, 85 का है डी, 85 का है डी रिमीडियल टीचिंग, 86 का है ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, 87th का है सी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड आर्गुइंग लॉजिकली, 88th का है बी वेकअप, 89th का है सी फॉर, 90 का है डी ऑल ऑफ द अबव, 91 का है सी पेपर मैथ्स का शुरू हो चुका है गलीलियो, 92 का है बी अनडिफाइंड टर्म्स, 93 का है बी सेकेंडरी स्टेज, 94 का है सी NCF करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, 95 का है ए डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, 96th का है डी एनरिचिंग टीचर विद वरायटी ऑफ मैथमेटिकल रिसोर्सेज, अध्यापकों नूं वख-वख गणित दे साधना नाल भरपूर कर बनाउणा, 97 का है डी मैथमेटाइज गणित करो, 98 का है बी द वरायटी ऑफ मैथड एंड स्किल अवेलेबल पीस डील कोरे into ability to address problems that come from science and social studies in high school, vakho vakre tangaan de hunar uplabd hon jo high school vich vigyan te samajik adhyayan ton aundiyan samasyaan nu hal karan di yogta banaun,
ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਲੌਂਗ ਟੇਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਲੌਂਗ ਟੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 98 ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਲਗਭਗ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿੱਧੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 99 ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਰਗ, 100 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੀ 62, ਔਰ 101 ਦਾ ਹੈ ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ, 102 ਦਾ ਹੈ ਏ 15/1600, 103 ਦਾ ਹੈ ਸੀ 400, 104 ਦਾ ਹੈ ਏ 214.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, 105 ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਮੀਨ, 106 ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸ, 107 ਦਾ ਹੈ ਡੀ ਬਾਰ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿਡਥ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਾਨ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲੀ ਔਰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਵਿਦ ਇਕੁਅਲ ਸਪੇਸ਼ਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ, 108 ਦਾ ਹੈ ਬੀ 20.28, 109 ਦਾ ਹੈ ਏ 2, 110 ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਸਕਸੈਸਿਵ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 2/2, 2/2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, 111 ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਏ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 12 ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਹੈ, 128, 113 ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਹੈ, ਰੁਪੀਜ਼ 36.659.70। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ 36 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੱਕਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 36 ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ 32 ਔਰ 31 ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ। ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 30 ਅਤੇ 32 ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 114 ਦਾ ਹੈ ਏ, 115 ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 116 ਦਾ ਹੈ ਡੀ 5A, 117 ਦਾ ਹੈ ਸੀ 3/2, 118 ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਔਨ ਦੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਟਰਾਂਸਰਵਰਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਰਵਰਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੀ। 119 ਦਾ ਹੈ ਡੀ ਏ ਏ ਏ, 120 ਦਾ ਹੈ ਏ, 121 ਦਾ ਹੈ ਬੀ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਏ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਆਲ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 122 ਹੈ ਏ, ਸੀਡਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰ ਮੋਇਸਚਰ ਫੋਰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2-3 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 123 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਟਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੱਗਿੰਗ, ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵਾਹੁਣਾ। 124 ਦਾ ਹੈ ਬੀ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। 125, 26, 27 ਦਾ ਏ ਏ ਹੈ, ਏ 26 ਦਾ ਵੀ ਏ ਵੂਲਨ ਸ਼ਾਲ, 127 ਦਾ ਵੀ ਏ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, 128 ਦਾ ਹੈ, 128 ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਬੋਥ ਬਰਡਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ, 129 ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਪੋਰਕੁਪਾਈਨ, 130 ਦਾ ਹੈ ਏ 0.006%। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਗੈਸ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ। 131 ਦਾ ਬੀ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ, ਭੂਮੀ ਜਲ ਸਥਲ, 132 ਦਾ ਹੈ ਡੀ 50 ਲੀਟਰ, 133 ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਅਸਥਮਾ, 134 ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਫਾਸਫੇਟਸ, 135 ਦਾ ਹੈ ਏ ਸੀਵਰ, 136 ਦਾ ਹੈ ਬੀ ਏਅਰ ਟਰੈਪਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲੇਅਰ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਫੋਰ ਹੀਟ।
अखबार दीयां परतां दे विचकार फसी हुई हवा गर्मी दा माड़ा संचालक है। 137वें दा है सी बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर, दोहां दा शरीर दा तापमान साधारण है। 138वें दा है साढ़े कोल डी इट हैज़ नॉट रस्टड आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड, इन्ने लंबे अरसे तो बाद इस नूं भी जंगाल नहीं लगा, 138वें दा है। 139वें दा है साढ़े को बी जानवरां दे नाम। 140वें दा है बी पहला ते दूजा राइट आंसर है इहदे विच्चों। 141वें दा है साढ़े कोल ए पहला दूजा ते चौथा, ये ऑप्शन इन्हां विच्चों ठीक ने। 142वें दा है इहनूं उपर कर लईए, 142वें दा है सी ए रहा राइट आंसर, टू प्रोवाइड कंटेक्सचुअल एनवायरमेंट, प्रसंगिक वातावरण प्रदान करन लई। 143वें दा है ए फैमिली। 144वें दा है बी इत्थे कॉम्बीनेशन है बी, इहदे विचों कॉम्बीनेशन इदां बनाउणे पैणे हैं। ए दा थर्ड है, ए दा थर्ड है और बी दा फोर्थ है, बी दा फोर्थ है और सी दा वन है, सी दा ए वाला वन है और डी दा टू है, ए डी दा टू है। 145वें दा है ए बोथ ए एंड आर एजर्शन एंड रीजन आर टू, ए ते आर दोवें ठीक हन। 146वें दा भी ए है ऑर्गेनाइजिंग फील्ड विजिट टू सम पॉपुलर प्लेस, कुछ प्रसिद्ध स्थानां लई खेतरी दौरे दा आयोजन करना। ये बड़े सौखे सवाल होंदे ने, नुक्ते मैं पिछे दसे हुए ने जिहड़े टैग वर्ड ने ना उन्हां चों पता लग जांदा है कि ये बिल्कुल ठीक आंसर ने। चलो इन्हां दा एनालिसिस बाद विच करांगे। 147वें दा है ए प्रोजैक्टर। 148वें दा है बी पहला दूजा तीजा ते चौथा। 149 दा है बी डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। 150वें दा है सी रिमीडियल एजुकेशन। इस दे अलावा कैंडीडेट नूं नोट कर लेना चाहिए है कि जेकर उन्हां नूं किसी ऑब्जैक्शन किसी क्वेश्चन ते ऑब्जैक्शन है, लगता है कि वह क्वेश्चन तुहाडा सही है लेकिन आंसर की विच गलत है, तो उससे ऑब्जैक्शन कर सकते हैं। उस लई कैंडीडेट मे सेंड देयर फीडबैक और ऑब्जैक्शन रिगार्डिंग आंसर की ऑफ पेपर वन इफ एनी लेटेस्ट बाय 6 अप्रैल तक देनी है 2023 5 बजे शाम तक। लिंक जो आंसर की फीडबैक है दिता होया है, इस तरह लिंक होएगा आंसर की फीडबैक कितने फॉर द परपज हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन द लॉगिन एरिया ऑफ द कैडिट, जो तुहाडा लॉगिन एरिया उहदे विच जाके तुसीं कर सकते हो। जो पेपर की आंसर की है उहदे विचों लगभग 20 क्वेश्चन इस तरह के सी, बिना जाने बिना नॉलेज तो सही हो सकते सन। सो उसका एनालिसिस के किस तरह वो अगे तो भी जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन पैंदा है उस दे विच वीकनेसेस बहुत होंदियां हन, वो वीकनेस का फायदा उठाया जा सकता है जेकर एनालिसिस नूं तुसी कर लेंदे हो। जे नहीं कर पाउंदे तां एनालिसिस जो करांगा मैं वीडियो पा दांगा उसनूं देख के, फर्दर जे अगर कोई इस तरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो तुसी उसका फायदा उठा सकते हो, स्कोर ज़्यादा गेन कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।